ये इसलिए चल रहा जो एजुकेशन सिस्टम है जो वो हमारे इंडिया में वो पूरा स्वदेशी विदेशी बोल के आरएसएस एंड जो ब्रिटिश का जो चल रहा वही उसी तरह चल रहा, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। इसलिए कि पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है आरएसएस का ब्राह्मणिज्म का सिस्टम से जो लिखावट जो लेसना में जो इसमें पूरा लिखावट वैसी चल रही एससीईआरटी भी उसके उसी के साथ चल रहा, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे। हमारा ये मकसद है कि जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा हमारा जो ओन लैंग्वेज में सोचो जो हमारा मदर लैंग्वेज उर्दू है उर्दू में चलना चाहिए, अगर तेलुगु है तेलुगु में चलना चाहिए, लेकिन आजकल मेरे सर पूरा जो इंग्लिश के माध्यम से पूरा चलने के लिए गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रहे है, उसको हमें पूरा स्ट्रांग से अप्रोच कर रहे हैं। इसके बारे में जो हमारे डिमांड है कॉमन स्कूल सिस्टम, इतने रहे नहीं रहने प्राइवेट स्कूल सिस्टम, एडेड स्कूल सिस्टम, दूसरा सेंट्रल स्कूल सिस्टम, पूरा कॉमन स्कूल सिस्टम, पूरा एक ही गवर्नमेंट के नीचे पूरा एक ही स्कूल सिस्टम रहना चाहिए। हर एक इसमें भी जो मदर टंग है ना हमारा जो मदर टंग उर्दू है तेलुगु उसी में लैंग्वेज का पूरा 10 क्लास तक तो मदर टंग तो जरूरी उसमें लेसन बोलना चाहिए हम लोगों को। जो हमारा ये मकसद है साइंटिफिक एजुकेशन जो ऐसा है ना आजकल में जो गाय के बारे में बोलते हैं जो उसके बारे में बोलते हैं गाय का इसके ये सब पूरा अनसाइंटिफिक है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पूरा साइंटिफिक एजुकेशन चाहिए, जो साइंस में जो प्रूव है उसी के बारे में जो बताओ, लेकिन ऐसा अनसाइंटिफिक नहीं बताना चाहिए। और दूसरा ये है जो टीचरों को जो पढ़ाई कर रहे उन लोगों को दूसरे कामों पर नहीं डालना, उस जो वोटिंग वोट इसके लिए लिखने के लिए तो सेंसेस लिखने के लिए ऐसे कामों पर जाने से क्या होता, बच्चों को सही तरीके से हमें उसको पाठ नहीं पढ़ा सक रहे, उसको ये नहीं कर सक रहे। इसलिए हमारा ये हो रहा हम ये डिमांड कर रहे जो टीचर्स है जो गवर्नमेंट टीचर्स है उनको दूसरे काम हमको कभी भी नहीं ले जाना।